प्रखंड में बिजली की व्यवस्था काफी लचर है। दिन पर दिन यह समस्या बद से बदतर होते जा रहा है। इतनी गर्मी में बिजली की कटौती के कारण यह समस्या काफी गंभीर होता जा रहा है। इस समस्या पर बिजली विभाग के कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी सूद लेना वाला नहीं है। बिजली कब आती है कब जाती है कोई नियम कानून नहीं है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि रात तो किसी तरह कट जाता है लेकिन दिन में गर्मी से लोग बेहाल रहते हैं। वहीं रिपोर्टर्स कौशल पांडे के द्वारा इस समस्या पर कुछ लोगों से बात की गई तो लोग ने बिजली की समस्या पर अलग अलग राय। आपका नाम? अविनाश गोयल, विधायक। ये बताइए, बिजली को लेकर के आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सब गाँवों में बिजली की व्यवस्था बहुत ही खराब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है, जिसका मुख्य कारण हेमंत सरकार की खराब नीति और व्यवस्था के कारण ऐसा हो रहा है। सब गाँव में 2014 से पहले इस तरह की बिजली व्यवस्था थी। डॉक्टर नीरा यादव के द्वारा विधायक बनने के बाद बिजली व्यवस्था बहुत ही अच्छी और सुधर चुकी थी, लेकिन फिर से हेमंत सरकार के कार्यकाल में फिर से बिजली व्यवस्था बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुँच चुकी है। इसका सीधा सीधा मेन कारण हेमंत सरकार की खराब रवैया के कारण ऐसा हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी। आपका नाम? अमर कुमार। कहाँ से हैं? पिटाई पंचायत। मुखिया जी हैं? वर्तमान मुखिया। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि बिजली को लेकर ये सतगामा में क्या व्यवस्था है? बिजली का व्यवस्था बहुत ही खराब है। गर्मी काफ़ी गर्मी होने के कारण पूरा पर्याप्त मात्रा से बिजली नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आम जन को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिजली का यहाँ जो है इससे मतलब कोई मतलब नहीं, कोई ऐसे नहीं सुचारू ढंग से कोई नियम कानून नहीं है। जब चाहे जब काट देता है, जब चाहे दे देता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार हुआ। मैं सीपुर पंचायत की मुख्य प्रतिनिधि। ये बताइए शैलेंद्र जी कि यहाँ बिजली का को लेकर के क्या व्यवस्था है? देखिए सर, कहा जाए तो सतगामा की बिजली जो व्यवस्था है अभी बिल्कुल लचर व्यवस्था है। ये भीषण गर्मी में बिजली समस्या बहुत बड़ी समस्या है। लोग गर्मी से परेशान है, लेकिन यहाँ के जितने भी बिजली विभाग के पदाधिकारी या कर्मचारी है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बिजली की बहुत ही बड़ी समस्या है सतगामा का। आज नहीं, मैं कई वर्षों से देखते आ रहा हूं कि बिजली की बहुत भारी समस्या यहां पर यहां के लोग झेल रहे हैं और अभी तक कोई सुधार नहीं है। मैं यहां बिजली की समस्या से निदान पाने के लिए मैं यहां के जितने भी बिजली के पदाधिकारी कर्मचारीगण हैं मैं उनसे आग्रह करूँगा कि बिजली का समस्या से यहाँ की जनता को निदान दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र जी।